थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तीसरा युद्ध। 14 जनवरी 1761 को पानीपत में दिल्ली से लगभग 95.5 किलोमीटर दूर मराठा साम्राज्य के एक नॉर्दर्न एक्सपीडिशनरी फोर्स और अफगानिस्तान की रूलर अहमद शाह दुरानी के बीच हुई थी। अहमद शाह दुरानी को अहमद शाह अब्दाली के नाम से भी जाना जाता है। इस लड़ाई में दुरानी के साथ गैंगटिक दुआब के रोहिला अफगान्स और अवध के नवाब शुजाउद्दौला भी शामिल थे। मिलिट्री फोर्स, सैन्य रूप से युद्ध में जहां एक तरफ अहमद शाह दुरानी और नजीबुद्दौला के नेतृत्व में अफगान्स और रोहिलास की हैवी कैवेलरी और जंबुराक को जेजेल नामक माउंटेड आर्टिलरी मौजूद थी, वहीं मराठास के पास थी फ्रेंच द्वारा सप्लाई की गई आर्टिलरी और कैवेलरी। इस लड़ाई को 18 सेंचुरी के सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में सबसे बड़ी संख्या में कैजुअल्टीज देखी गई थी। बैकग्राउंड, 1680 से लेकर 1707 तक चल रहे 27 साल के मुगल मराठा वॉर के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो जाने पर मराठा साम्राज्य ने रैपिडली कई टेरिटरीज अपने कब्जे में ले लिए। पेशवा बाजीराव के अधीन अब गुजरात और मालवा मराठा कंट्रोल में आ चुके थे। उसके बाद 1737 में बाजीराव ने दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में मुगलों को हराकर दिल्ली के दक्षिण में फॉर्मर मुगल क्षेत्रों में से अधिकांश को मराठा कंट्रोल में ले लिया। बाजीराव के बेटे बालाजी बाजीराव, जो नाना साहब के नाम से भी लोकप्रिय हैं, उन्होंने 1758 में पंजाब पर आक्रमण करके मराठा कंट्रोल के अंदर आने वाली टेरिटरीज को फर्दर इंक्रीज किया। इस इवेंट ने मराठास को अहमद शाह अब्दाली के दुरानी साम्राज्य के डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में ला दिया। 1759 में अहमद शाह अब्दाली ने पाश्तून ट्राइब्स की एक सेना खड़ी करी और पंजाब में छोटे मराठा सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें अब्दाली विजयी रहा। इसके बाद उसने अपनी इंडियन एलाइज यानी गैंगटिक दुआब के रोहिला अफगान्स के साथ मिलकर मराठास के खिलाफ एक ब्रॉड कोएलिशन बनाया। वहीं दूसरी ओर सदाशिव राव बहाव की कमान में मराठास ने 45,000 से 60,000 के बीच की एक सेना को इकट्ठा किया, जिसके साथ लगभग 2,00,000 नॉन कॉम्बेटेंट्स भी शामिल थे। इनफैक्ट इन नॉन कॉम्बेटेंट्स में कई पिलग्रिम्स थे जो उत्तरी भारत में हिंदू होली साइट्स की तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक थे। मराठास ने 14 मार्च 1760 को नॉर्थ के लिए मार्च करना शुरू किया। साथ ही मराठास और अफगान्स दोनों ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अपने साइड करने की पूरी कोशिश की। जुलाई के अंत तक शुजाउद्दौला ने अफगान रोहिला कोएलिशन में शामिल होने का फैसला कर लिया। इतना ही नहीं, शुजा ने नॉर्थ में अफगान्स के लंबे स्टे के लिए फाइनेंसेस प्रोवाइड करने का भी निर्णय लिया। ये कोएलिशन स्ट्रेटेजिकली मराठास के लिए एक बड़ा नुकसान था। यहाँ तक कि इस बात का भी संदेह किया जाता है कि शुजा के समर्थन के बिना अफगान रोहिला कोएलिशन का मराठास के साथ अपने संघर्ष को जारी रखना काफी कठिन हो सकता था। कटिंग ऑफ द सप्लाईज, स्लो मूविंग मराठा कैंप आखिरकार 1 अगस्त 1760 को दिल्ली पहुंचा और अगले ही दिन शहर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद यमुना नदी के किनारे कई झड़पें हुईं और बैटल ऑफ कुंजपुरा में मराठास ने लगभग 15,000 की एक अफगान सेना के खिलाफ जीत भी हासिल की। इस समय अब्दाली और अन्य अफगान सेना यमुना नदी की ईस्टर्न साइड पे लड़ रहे थे, लेकिन अब्दाली ने 25 अक्टूबर को भागपत पर यमुना नदी को डेयरिंगली पार किया और दिल्ली में मराठा शिविर को उनके बेस से कट ऑफ कर दिया। इवेंचुअली पानीपत शहर में अब्दाली के नेतृत्व में मराठास के खिलाफ 2 महीने की लंबी घेराबंदी कर दी गई। घेराबंदी के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सप्लाईज को कट ऑफ करने का बहुत प्रयास किया, जिसमें अफगान्स काफी इफेक्टिव साबित हुए। नवंबर 1760 के अंत तक उन्होंने घिरे हुए मराठा शिविर में लगभग सभी फूड सप्लाईज कट ऑफ कर दिए थे। मराठा शिविर में लेट दिसंबर या अर्ली जनवरी तक खाना खत्म हो गया और हजारों की संख्या में कैटल मर गए। इतना ही नहीं, अर्ली जनवरी में सैनिकों के स्टार्वेशन से मरने की खबरें भी आने लगी। द बैटल, सप्लाईज खत्म होने और सोल्जर्स के मरने के कारण मराठा चीफ ने अपने सेनापति सदाशिव राव भाव से विनती की कि उन्हें भुखमरी से मरने के बजाय युद्ध में मरने की अनुमति दी जाए। घेराबंदी को तोड़ने के एक हताश प्रयास में मराठाओं ने अफगान कैंप की ओर मार्च करने के लिए अपना शिविर छोड़ दिया। लड़ाई कई दिनों तक चली और इसमें 1,25,000 से अधिक सैनिक शामिल थे। दोनों पक्षों के नुकसान और लाभ के साथ लंबी झड़पें हुईं। कई मराठा गुटों को नष्ट करने के बाद अहमद शाह दुरानी के नेतृत्व वाली सेना विजयी हुई।
माना जाता है कि दोनों पक्षों के नुकसान की सीमा कुछ इस प्रकार थी कि लड़ाई में 60,000 से 70,000 के बीच सैनिक मारे गए थे। रिकॉर्ड्स ये भी बताते हैं कि युद्ध के अगले दिन लगभग 40,000 मराठा कैदियों को कोल्ड ब्लड में मार दिया गया था। रिजल्ट, लड़ाई में हार के कारण उत्तर भारत में मराठा एडवांसेस हॉल्ट हो गए और लगभग 10 वर्षों तक उनकी अपनी टेरिटरीज भी डिस्टेबिलाईज हो गई। 10 वर्षों की ये अवधि पेशवा माधवराव के शासन द्वारा चिन्हित है, जिन्हें पानीपत में हार के बाद मराठा वर्चस्व का पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है। 1771 में पानीपत के 10 साल बाद पेशवा माधवराव ने एक अभियान में उत्तर भारत में एक बड़ी मराठा सेना भेजी, जिसका उद्देश्य था उत्तर भारत में मराठा प्रभुत्व को पुनः स्थापित करना, उन रिफ्रेक्टरी पावर्स को दंडित करना जिन्होंने या तो अफगान्स का साथ दिया था या पानीपत के बाद मराठा वर्चस्व को हिलाकर रख दिया था। इस अभियान की सफलता को पानीपत की लंबी कहानी की अंतिम गाथा के रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों, गौरतलब बात यह है कि पानीपत के तीनों लड़ाइयों में जो बात सामने आती है वो ये है कि विवाद या युद्ध का कारण पानीपत शहर कभी नहीं था। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक बैटल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। एंड जी हाँ, हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक बटन जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।